एंड मेरा 300 क्वांटिटीज है टोटल, और मैं अभी इसमें और भी सोच रहा हूँ क्वांटिटीज मतलब मोर करने का. तो मैं यहाँ पे मुझे प्रॉफिट है, लेकिन मैं लॉन्ग टाइम के लिए करूँ या मतलब प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊँ? बिल्कुल अच्छे लेवल्स पर आपने एंट्री ले ली, आप लकी रहे येस बैंक को लेकर. 12 के आसपास आपने खरीदारी कर ली और आपने जो सवाल पूछा ललित, काफ़ी सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है. विवेक आप ही सजेस्ट करिए, काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं येस बैंक को लेकर. हाल फिलहाल बड़े निवेशक एंट्री लेने जा रहे हैं, बोर्ड में कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जिसमें आदित्य पुरी जैसे नाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं. इसके अलावा आज मूडीज की तरफ से भी स्टॉक में अपग्रेड भी देखने को मिला. 16-17 के आसपास देखिए स्टॉक इस पर कारोबार कर रहा है, काफी अच्छी तेजी आई. बट अभी इस स्तरों पर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? क्या ये स्टॉक अभी भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर ट्रेडर्स को यहाँ से मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रेडर हो तो आप पक्का निकल जाओगे, और अगर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो तो आप रुकोगे. इसका मैं अच्छी तरह एक विस्तार से आपको कारण भी बताता हूँ. इनफैक्ट आप लकी भी हो कि आपने 12.5 रुपए में लिए, और लोग तो कई ऊपर के दामों में फंसे हुए बैठे हैं अभी भी. अब देखिए, जो कार्लिल डील हुआ था, ये सेम कार्लिल आया था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, और फिर वो डील हुआ नहीं था, और पब्लिक मेमोरी जनरली शॉर्ट होता है. और अब इन्होंने येस बैंक में स्टेक लिया है. अब आदित्य पुरी बोर्ड में आएंगे, बैंक रिवाइवल होगा, और अब जो ये लॉक इन है शेयर्स का हुआ हुआ, वो मार्च 2023 में खुलेगा. तो ये सारा एक्टिविटी उसके पहले चल रहा है. अब देखिए, ये जो फ्रेश इक्विटी जो कार्लिल को वगैरह इश्यू होगा, उसके बाद में येस बैंक के पास करीबन 3,300 करोड़ शेयर्स होंगे. मतलब ये हुआ कि अगर येस बैंक 3,300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है तो येस बैंक के शेयर का ईपीएस 1 रुपया रहेगा. मतलब 3,300 करोड़, ये इजी टास्क नहीं है, वो आदित्य पुरी के लिए भी इजी टास्क नहीं है. और जब तक समझ लो 10,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं दिखाता है बैंक, तब तक वैल्यूएशंस आपको मतलब बहुत बड़ा रैली मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10,000 करोड़ एक बैंक कमा ले ये बहुत मुश्किल काम है आज के दिन. तो शॉर्ट टर्म में जितना भी पॉजिटिव था वो फैक्टर्ड इन लग रहा है मुझे. तो आप अगर ट्रेडर हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए. हाँ, लॉन्गर टर्म में जैसे जैसे बैंक और सुधरता है, फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरती है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडीली रिकवरी आएगी. तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा ये, अगर किसी को उम्मीद है तो वो उम्मीद मत रखिए. ये हो सकता है 18 तक जाए, 20 तक चला जाए, बस उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली होगा. इन दामों में भी आज ये बैंक करीबन 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है. अब आप अगर सोचते हो 50,000 करोड़ चला जाए यहाँ से, 3 या 4 गुना, मतलब 1,00,000 करोड़ का बैंक थोड़ी बन सकता है इतना. ये तो काफी छोटा बैंक है कंपेरेटिव टू आईसीआईसी और एचडीएफसी, तो उनके कॉम्पिटिशन में आना बहुत टाइम लगेगा. बिल्कुल, तो अभी थोड़ा समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ है बैंक के साथ में. अभी समय लगेगा, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट होने में बैंक के बुक्स में समय लग सकता है, कहने का मतलब यह. तो आप निकल जाएं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं. बहुत ज़्यादा चला तो 18 तक जा सकता है, तब तक के लिए अगर आप होल्ड कर सकते तो करिए, लेकिन अगर होल्ड करना भी है तो अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए यहाँ पर, और स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लीजिए.